गंगा दशहरा स्तोत्रम। ओम नमः शिवाय गंगाए शिवदाय नमो नमः। नमस्ते विष्णु रूपिणे ब्रह्ममूर्ते नमोस्तुते। नमस्ते रुद्र रूपिणे शांकर्ये ते नमो नमः। सर्वदेव स्वरूपिणे नमो भेषजमूर्तये। सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषक्श्रेष्ठे नमोस्तुते। स्थास्नु जंगम संभूत विषहंत्रे नमोस्तुते। संसार विषनाशिन्ये जीवनाये नमोस्तुते। तापत्रिते संहंत्रे प्राणश्चैते नमो नमः। शांति संतान कारिण्ये नमस्ते शुद्ध मूर्तये। सर्वसंशुद्धि कारिण्ये नमः पापारि मूर्तये। भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्ये भद्रदाये नमो नमः। भोगोपभोगादीन्ये भोगवत्ते नमोस्तुते। मंदाकिन्ये नमस्तेस्तु स्वर्गदाये नमो नमः। नमस्त्रे लोके भूषाये त्रिपथाये नमो नमः। नमस्त्रि शुक्ल संस्थाये क्षमावत्ते नमो नमः। त्रिहूत शन संस्थाये तेजोवत्ते नमो नमः। मंदाये लिंगधारिण्ये सुधाधारात्मने नमः। नमस्ते विश्वमुख्याय रेवते ते नमो नमः। रिहत्ये ते नमस्तेस्तु लोकधात्रे नमोस्तुते। नमस्ते विश्वमित्राय नंदिन्ये ते नमो नमः। पृथव्ये शिवामृताय च सुवृषाय नमो नमः। परापरशताढ्याय ताराय ते नमो नमः। पाशजाल निकृन्त्यये अभिन्याय नमोस्तुते। शांताय च वरिष्ठाय वरदाय नमो नमः। उग्राय सुखजगद्धये च संजीवन्ये नमोस्तुते। ब्रह्मिष्ठाय ब्रह्मदाय दुरितघन्ये नमो नमः। नतार्ति प्रभर्जन्ये जगन्मात्रे नमोस्तुते। सर्वापत् प्रतिपक्षाय मंगलाय नमो नमः। शरणागत दिनात परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। निर्लिपाय दुर्गहंत्रे दक्षाय ते नमो नमः। परापर पराये च गंगे निर्वाणदायिनी। गंगे ममाग्रतो भूया गंगे मे तिष्ठ पृष्ठत। गंगे मे पार्श्वयोरेधि गंगे त्वेस्तु मे स्थिति। आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्वं त्वं गांगते शिवे। त्वमेव मूल प्रकृतिस्त्वं पुमान पर एव हि। गंगे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे। य इदं पठते स्तोत्रं शृणुयाक्षद्या अपि य दष्टा मुच्यते पापै काय वाक्चित् संभवै। रोगस्थो रोगतो मुच्य द्विपद भ्यस्य विपद्यत। मुच्यते बंधनाद बद्धो भीतो भीते प्रमुच्यते। सर्वान कामान वापनोति प्रेत्य च त्रिदिवं ब्रजेत। दिव्यं विमानामारोह्य दिव्य स्त्री परिवीजित। गृहे अपि लिखितं यस्य सदा तिष्ठति धारितं। नाग्निचौर भयं तस्य न सर्पादि भयं क्वचित। ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता। संहरेत त्रिविधं पापं बुधवारेण संयुता।
अस्याम दशम्यामेत च स्तोत्रम गंगा जले स्थिता यः पठेद्यश कृत्वा स्तु दरिद्रो वापि क्षामम सो अपि तत्फलमाप्नोति गंगाम संपूज्य यत्नता इति श्री स्कंद महापुराणे काशी खंडे ईश्वर कथितम गंगा दशहरा स्तोत्रम संपूर्णम। गंगा दशहरा स्तोत्रम के अनुवाद। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याण दायिनी गंगा जी को नमस्कार है। हे देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली आपको बार बार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। गंगा द्वार प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन तीन विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है। ग्राहपत्य, आह्वनीय और दक्षिणाग्नि रूप त्रिविध आग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली आपको नमस्कार है। सुधा धारा मई, आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार है। बृहती नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोकों की धारण करने वाली आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी रूपा है, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े बड़े सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा, आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ और मनवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रु होता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप
पाप ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं। मोक्ष दायिनी गंगे आपको नमस्कार है। गंगे आप मेरे आगे हो, गंगे आप मेरे पीछे रहें, गंगे आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हो तथा गंगे आप में ही मेरी स्थिति हो। आकाश गामिनी कल्याणमयी गंगे आप मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। गंगे आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे आपको नमस्कार है। श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है वह मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। रोगी रोग से तथा विपत्ति ग्रस्त विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति भय से विमुक्त हो जाता है। वह इहलोक में सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है और मृत्यु के अनंतर दिव्यांगनाओं से सेवित होता हुआ दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिखकर रखा हुआ हो उसे कभी अग्नि चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित 10वीं तिथि का यदि बुधवार से योग हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर जो 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है वह दरिद्र हो या असमर्थ वह भी उसी प्रकार फल को प्राप्त होता है जो यथोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत काशी खंड में ईश्वर कथित गंगा दशहरा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ।